हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियास DIY चैनल और मैं हूँ प्रिया। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल येट इफेक्टिव हेयर ऑयल शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से जड़ से ख़त्म कर देगा। ये ऑयल बनाने में भी काफ़ी आसान है और इसमें मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो बालों के ना बढ़ने, उनके बार बार टूटने, डैंड्रफ, गंजापन या फिर ड्राइनेस जैसी प्रॉब्लम्स को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी और इस बात से आप भी इस ऑयल के इस्तेमाल से सहमत हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। लेकिन इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस कलौंजी ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में इस तरह से डबल बॉयलर मेथड रेडी कर लें और फिर बाउल में डालें 50 ग्राम के करीब प्योर कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल और कलौंजी ऑयल का कॉम्बिनेशन काफ़ी इफेक्टिव है बालों को लंबा और घना करने में। फिर भी आप चाहें तो इसकी जगह आलमंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐड करें 25 ग्राम कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल, 3 से 4 विटामिन ई कैप्सूल्स। मैं यहाँ पर ईवियन 400 विटामिन ई कैप्सूल ले रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो कोई भी और ब्रांड की ले सकते हैं। ये बालों का टूटना बंद करता है और बालों की ड्राइनेस को ठीक करने में बेहद बेनिफिशियल है। अब इसे हम ऐसे ही डबल बॉयलर मेथड से 7 से 10 मिनट तक वार्म होने देंगे। जब तक ये ऑयल थोड़ा वार्म होता है तब तक हम 2 चम्मच कलौंजी, 1 टेबल स्पून मेथी दाना और 1 चम्मच अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स को कोर्सली ग्राइंड कर देंगे यानी कि ददरा पीस लेंगे। दोस्तों, कलौंजी जैसे बालों को लंबा, घना और टूटने से बचाता है, वैसे ही मेथी दाना और फ्लैक्स सीड्स बालों को स्ट्रॉन्ग करके स्काल्प से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि डैंड्रफ और स्प्लिट एंड्स को क्योर करता है। तो अब इन ऑयल्स को गर्म होते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। आप गैस को बंद कर दें और केयरफुली बाउल को निकाल कर इसे थोड़ा ठंडा होने दें। जब ऑयल्स थोड़े ठंडे हो जाएं, तब इसे किसी क्लीन कांच के जार में शिफ्ट कर लें। आपको इस ऑयल को बनाने में कंपलसरी कांच के जार का ही यूज़ करना है। ये बात का खास ध्यान रखें क्योंकि प्लास्टिक के जार में कलौंजी के नेचुरल ऑयल का इन्फ्यूज़ ठीक से नहीं हो पाता है और ऑयल बनने के बाद भी जल्द ही ख़राब होने लगता है। अब हमने जो कलौंजी, फ्लैक्स सीड्स और मेथी दानों को पीस कर पाउडर बनाया था वो इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिलाकर इसका लिड लगा लेंगे। इस ऑयल को आपने ऐसे ही 3 दिन यानी कि 72 घंटों के लिए धूप में या फिर किसी भी अलमारी में रख देना है जिससे कि ऑयल में से बाकी चीज़ों का नेचुरल ऑयल निकल सके। 3 दिन बाद ये ऑयल बनकर रेडी हो जाएगा। ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा और पहले से थोड़ा डार्क कलर का हो जाएगा। आप चाहें तो इसे छानकर यूज़ में ले सकते हैं, बट मैं इसे ऐसे ही रहने देना पसंद करती हूँ जिससे कि ये डे बाय डे और भी स्ट्रांग और बेनिफिशियल बनता रहे। इस ऑयल के रेगुलर यूज़ यानी कि हफ्ते में कम से कम 2 बार के इस्तेमाल से आप बालों के ना बढ़ने, हेयर फॉल होना, बॉल्डनेस, डैंड्रफ, यहाँ तक के रूखे बेजान बालों की प्रॉब्लम को भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बस शर्त ये है कि इसे लगाकर आपको इसे कम से कम 8 से 10 घंटों के लिए बालों में लगाए रखना होगा। तो दोस्तों, आज ही इस ऑयल को बनाएं और आपके रिजल्ट्स मेरे साथ कमेंट्स के थ्रू शेयर करें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाला एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें।